नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी वे, सुमित जैन। दोस्तों, भारत और चीन के बीच में डिप्लोमेटिक वॉर शुरू हो चुका है। वैसे तो कभी बंद हुआ ही नहीं था, लेकिन अब तो पूरी चरम सीमा के ऊपर है। भारत भी अब चीन के साथ डिप्लोमेटिक वॉर आमने सामने खेलना शुरू कर दिया भारत ने। यानी कि जैसे को तैसा नीति भारत ने अपना ली है। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। और मोदी जी तो वैसे ही बोलते हैं, मैं उसी भाषा में जवाब देना जानता हूं। पिछले एक महीने में चीन के द्वारा 3 या 4 बार अरुणाचल प्रदेश को अपना कहने के बाद भारत भी चाइना की दुखती हुई रग के ऊपर हाथ मारना शुरू कर दिया है। यानी कि हमने वो दुखती नब्ज जो है इसकी, उसको दबाना शुरू कर दिया, हाथ लगाना शुरू कर दिया। भारत के जो विदेश मंत्री हैं, नाम तो सुना ही होगा, एस जयशंकर। इन्होंने अभी क्या किया कि जो दक्षिण जो अपना चीन महासागर जिसको बोलते हैं साउथ चाइना सी, वहां पर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में चीनी जो कोस्ट गार्ड होते हैं उनके द्वारा फिलीपींस के जहाजों को रोकना, उन पर वाटर कैनन से वार करना, इसके द्वारा जो वहां पे जो बोट्स थी वियतनाम की उन्हें ध्वस्त किया गया, उसको लेकर भारत ने फिलीपींस का सपोर्ट किया। और जयशंकर जी ने बड़े खुलेआम बोला कि चाइना को ये जो एरिया है और दूसरे कंट्रीज की जो बाउंड्रीज हैं इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पहली बार है भारत ने चीन को ये जवाब दिया है वियतनाम के थ्रू। यानी कि हम वियतनाम को, बाकी कंट्रीज को ये संदेश दे रहे हैं कि भारत आपके साथ खड़ा है किसी भी स्थिति में। और चीन को ये भी बोला हमने कि तुम्हें अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत चलने के लिए हिदायत भी दी है कि अपनी बाउंड्री में रह, बाहर ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं है। और चीन की इस करतूत पर उसे जमकर विरोध भी किया भारत ने। ये है हमारी डिप्लोमेटिक वॉर जो हमने शुरू कर दी। पहले हम चीन को बोलते थे डायरेक्टली, अब हमने इनडायरेक्टली भी बोलना शुरू कर दिया। और भारत द्वारा खुलेआम चीन का विरोध करना और उसे अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से चलने की हिदायत देने के बाद आपको लगता है कि चीन चुप करके बैठ गया होगा। चाइना के जो विदेश मंत्री है लिन जियांग, उसने भी भारत से जो ये विवादित है एरिया साउथ चाइना सी का, उसके ऊपर उसके दावे का सम्मान करने का आग्रह किया है। यानी कि ये चाइना बोलता है ये हमारी बाउंड्री है, आप भी इसका उल्लंघन ना करें तो अच्छा होगा। चीन ने कहा है कि ये समुद्री विवाद हम जितने भी सारे कंट्रीज हैं आसपास के, बल्कि 16 में से 14 कंट्रीज के साथ विवाद है, हम अपने आप बैठकर मुद्दे को सॉल्व कर देंगे, किसी भी तीसरे पक्ष का इसके अंदर एंटर करने की जरूरत नहीं है, ना ही गुंजाइश है। ओ भाई, चीनी जो ये पंजाबी वाले चू होते हैं ना, बाकी मुझे वर्ड पता नहीं, आप लिख देना कि मतलब क्या है चू का पंजाबी वाला। ये जो पंजाबी चू हैं, इनको भी भारत ने बड़ी बार कहा है कि तुम लोग जो पीओके है या हमारा गिलगिट बल्तिस्तान है एरिया है या इवन बलोचिस्तान भी हमने ले जाना, अब तो जो हालत चल रही है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना करो, सड़कें ना लेके जाओ, ये भारत का एक हिस्सा है, तो क्या तुम लोगों ने हमारी बात मान ली थी? यदि नहीं मानी है तो अब हम तुम्हारी बात क्यों सुने? और भारत ने कैसे उसी तरीके से व्यवहार अब दोबारा से करना शुरू कर दिया चाइना के साथ। भारत को भी जैसे को तैसा जवाब देना अब आ गया है। पहली बार हमने 75 सालों में देखा है जब चाइना हमारी बात नहीं सुनता, हम चाइना की बात नहीं सुनते। अब ये मुद्दा यहीं पर खत्म नहीं होता दोस्तों। चाइना को आदत है जितनी भी कंट्रीज है उसके आसपास सबके लैंड के ऊपर इसकी नजर है। भी कजाकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, वहां पर इसकी नजर थी, वहां पर पैसे दिए गए और वहां के जितने भी स्ट्रेटेजिक लैंड्स हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स, वो अपने कब्जे में कर ली। पाकिस्तान था, वहां पर भी यही काम किया, श्रीलंका में किया, अभी मालदीव में शुरू हो गया, और अफ्रीका के 60-65 कंट्रीज हैं जिनको इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है, अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखा हुआ है। ये चाहते थे कि भारत के अंदर भी पप्पू की गवर्नमेंट
कंटिन्यू रहे, नहीं हुई। और हम सनातनियों ने एक बार कांग्रेस को उखाड़ कर फेंका है, चाइना के सारे लॉन्ग टर्म प्लान्स ध्वस्त करके रख दिए। और जैसा जवाब जयशंकर जी और मोदी जी मुंह के ऊपर देते चाइना को, इनको बर्दाश्त नहीं है। और हम कर क्या रहे हैं? चाइना पाकिस्तान को यूज करता रहा पिछले 75 सालों में भारत के खिलाफ, हर मंच पर, हर मोर्चे पर, इवन उग्रवाद के थ्रू भी। और अब हम क्या कर रहे हैं? वियतनाम को यूज कर रहे हैं चाइना के खिलाफ। वियतनाम को हमने ब्राह्मोस दे दिए ताकि अगर कभी भी चाइना हमें यहां से तंग करेगा, हमारे बॉर्डर से, हम पिछवाड़े से चाइना को तंग करेंगे, जैसे वो पाकिस्तान को यूज करता है हमारे लिए, हम वियतनाम को, फिलीपींस को, इनको यूज करेंगे चाइना के खिलाफ। दूसरी चीज, एक चीज आप नोट कीजिए, चाइना का हिस्टोरिकली सदियों से जापान के साथ 36 का आंकड़ा रहा है। अब भारत ने क्या किया? ओपनली जापान के साथ हमने एंगेज करना शुरू कर दिया, क्वाड में भी मेंबर हैं उसके साथ, और ट्रेड कैसे हम बढ़ा रहे हैं ये भी आप जानते हो। दैट मीन्स दुश्मन के साथ हम ट्रेड बढ़ा रहे हैं, चाइना से नहीं करते। हम चाहते तो सस्ते में जो पूरा हाई स्पीड ट्रेन का नेटवर्क है चाइना से ले सकते थे, जल्दी भी बन जाता, लेकिन हमने लिया जापान से। और यही चीजें हैं विच रेटल्स चाइना इन अ बिग वे। इसलिए हम उसी भाषा में जवाब देते हैं जो तुमने या सामने वाले को समझ आती है। और ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती, हमने ताइवान के इश्यू के ऊपर भी बहुत ही बढ़िया एक मूव किया है भारत ने। आपको मालूम है कि सेमीकंडक्टर का हब है ताइवान, हमने सेमीकंडक्टर की जितनी फैक्ट्रीज हैं उन सबको भारत में लेके आने की बात शुरू कर दी है ताइवान के साथ। डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे ताइवान के साथ ऑलरेडी हैं, आर्म सप्लाई की बात हम उनके साथ कर रहे हैं, लेबर एक्सचेंज यानी कि भारत का जो लेबर है वो ताइवान में जाके काम करेगा उसकी बातें भी शुरू हो गई हैं, यूपीआई में ट्रांजेक्शन हम ताइवान के साथ कर सकते हैं, ये एग्रीमेंट्स करने की कगार के ऊपर है। इसके साथ और कितने ही एग्रीमेंट हैं, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कैसे हमने ताइवान जो दुखती रग है चाइना की उसको हमने दबा दिया है, टच कर दिया है। ये सारी वो बातें हैं जो मीडिया में नहीं आती। और ये है बोधिगत भारत, ये वो वाला भारत नहीं है पप्पू का, जहां पर 2008 में बेशर्मी के साथ रात के अंधेरे में चुपके से एक एग्रीमेंट कर दिया गया और यहाँ की भारत की सारी इंडस्ट्री को तबाह कर दिया गया। और साथ में एग्रीमेंट ये था कि हमें एक बार अब दोबारा प्रधानमंत्री बना दो, अरुणाचल प्रदेश आपको दे देंगे। हम क्या कर रहे हैं? वो हमारे ऐसे गद्दारों को जो हमारे देश के बीच में ही बैठे हैं, हमारे आसपास हैं, उन्होंने तो 75 साल यही काम किया है। ओ भाई, इसी के नाने ने बोला था ना कि अगर लद्दाख का थोड़ा सा 48,000 किलोमीटर अगर चाइना ले भी गया क्या फर्क पड़ता है, वहां पे तो तिनका भी उगता नहीं है। ये बेशर्मों की तरह जवाहरलाल नेहरू ने बोला था पार्लियामेंट के अंदर। और ये राहुल गांधी जिसके टाइम पर हर साल 2-3 किलोमीटर चाइना वाले हमारे बॉर्डर में अंदर घुसते गए और जगह कब्जा करते रहे, ये बोला नहीं। क्यों? चाइना से प्यार ही इतना है, पैसे जो आते हैं। और अब हमें लेक्चर देते हैं कि जी मोदी जी के कारण ये जगह चलेगी, जगह गई उनके टाइम पर, मोदी जी तो वहां पे आंख में आंख डाल के खड़े हुए हैं बॉर्डर के ऊपर, बोल रहे बेटा पीछे हट वरना हम कैलाश भी ले जाएंगे। अभी तो कैलाश के जो आसपास के जितने भी पहाड़ी हैं वो हमने अपने कब्जे में कर ली हैं, सिर्फ कैलाश रह गया है। और वो भी मेरा अपना मानना है जब तक मोदी जी हैं ये कैलाश भी भारत में पार्ट होगा, ये आप देखते जाइए। और ये शायद मोदी जी का आखिरी काम यही होगा, कैलाश को भारत के अंदर लेके आना। और जितना आस्था महादेव के ऊपर मोदी जी को है उससे ज्यादा आस्था मेरी मोदी जी के ऊपर है कि मोदी ये काम करके छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब हमने डिप्लोमेटिक वॉर शुरू करी है, चाइना को छोड़ने वाले नहीं है मोदी जी, और जो काम इन्होंने अपने हाथ में पकड़ लिया वो छोड़ दें ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर आज हम, आपको क्या लगता है कि भारत इतना ज्यादा मिलिटरली स्ट्रांग हो गया है कि हम चाइना का मुकाबला कर सकते हैं? मेरे से मानेंगे तो बिल्कुल है, हम मिलिटरली स्ट्रांग हैं, डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग हैं, और अब तो हम किसी की बदतमीजी सहन ही नहीं करते। ओ भाई, यूएसए मोदी जी को हराने में लगा हुआ है, सोरोस की पूरी पार्टी लगी हुई थी, उन्होंने आम आदमी पार्टी खड़ी ही इसलिए की थी, एक कंजरवाल को इसीलिए खड़ा किया गया था, हमने उसे पकड़ के जेल में डाल दिया।
और सबूत भी इतने पुख्ता है कि उनके रोने और धोने के बाद भी हमारे करप्ट जजेस चाहते हुए भी इतने पैसे खाने के बाद सोरोज एंड पार्टीज के बाद से ये उसे छोड़ नहीं पा रहे। ये है हमारा नया भारत, ये है हमारी ताकत कि दुश्मन बेशक घर में हो या घर के बाहर हो, ऐसे ठोकते हैं कि मिट्टी में मिला देते हैं। अंसारी तो याद ही होगा, अभी अभी मिट्टी में मिलाया गया, बाकियों को भी मिला दिया जाएगा। और दोस्तों इसी बातों की चिढ़ है CIA को, सोरोस को, चाइना को कि भारत की ये ताकत हमने कभी सोची नहीं थी कि भारत में ऐसी ताकत भी आएगी। ये ताकत हमेशा ही थी, ये दबा दिया गया था कांग्रेस के ये पिट्ठुओं को जो पैसे लेकर हमारे देश का सौदा करते रहे 75 साल और हमें उभरने ही नहीं दिया। अब वक्त है भारत को आगे लेके जाने का, तरक्की करने का और इसे एक डेवलप्ड कंट्री बनाने का। हर चीज है भारत में, कमी थी एक स्ट्रांग लीडरशिप की जो हमें मिल गई है। और 2024 में 400 पार नहीं 500 पार करके छोड़ना है। उसके बाद ये सारे जो हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं ये परमानेंटली इसकी दुकानें बंद हो जाएंगी और ये ऑपोजिशन वाले ये सारे जेल में जाने वाले हैं क्योंकि इतने करप्शन के चार्जेस हैं इनके ऊपर। इन्हें बचाने के लिए भगवान तो इनके लिए कभी नहीं आएगा, अल्लाह भी इनको बचाने के लिए अब आ नहीं सकता। जय दोस्तों, वंदे मातरम और जय श्री राम। हाय देयर, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड एक्टिवेट द बेल आइकॉन सो दैट यू रिसीव ऑल नोटिफिकेशंस व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।